अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आपको ये माइकल का न्यू लुक कैसा लग रहा है? बिल्कुल फ्रेंच जो है, इसने अपनी दाढ़ी और मूछें रखी हुई हैं, फ्रेंच स्टाइल रखा हुआ है बियर्ड का, और हेयर कट भी इसने कराया था, ईद पर ही करा लिया था इसने। तो यार ओहो, माइकल किधर देख रहा है? सामने देखो यार, यार माइकल सामने देख भाई, पब्लिक तुझे देख रही है, पब्लिक की तरफ आंख से आंख मिलाकर देखो। देखो मुंह फेर रहा है, बार बार मुंह फेर रहा है, पता नहीं ये शायद नाराज़ है, कोई वजह है यार, ये नाराज़ है आप लोगों से। सामने देख यार, ओहो फिर मुंह फेर रहा है बार बार, ये देखो। ओ भाई कैमरे की तरफ देख यार, इधर इधर इधर, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ भाई, सामने पब्लिक की तरफ देख यार, बार बार मुंह फेर रहा है यार। मानेगा 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 यार, सामने देख, सामने सामने सामने, हाँ आँख से आँख मिलाना, ये चीज़। ओके तो यार, इसकी नाराज़गी की वजह आई थिंक ये है कि आप लोग वीडियो देख के लाइक नहीं कर रहे, और जो इस चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यार जल्दी से लाइक ठोक दो, और जो नया है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो बढ़ते हैं यार वीडियो की तरफ। तो भाई लोग, आज इस वीडियो में माइकल जा रहा है अपने डीलर, उसी पुराने डीलर के पास, और वहाँ से वो लेगा हुंडे इलांट्रा 2016 का मॉडल उसके पास पड़ा हुआ है। तो वहाँ से वो गाड़ी ये पिक करेगा। इसने एक्चुअली उससे पहले ही बात की थी, क्योंकि जब से यार ये दुबई से आया, दुबई में इसका बहुत खर्चा हो गया है यार, इतने ज़्यादा इसने मतलब कि वहाँ पैसे लगाए, आगे पीछे घूमना, फिर रेंट पे इसने सुपर कार्स ली, और सबको मतलब इसने इंजॉय कराया था, याशी कराई थी। तो अभी जो है इसकी यार, इनकी मोटेड बात आपको बतानी थी, इसने अपनी दोनों कार सेल कर दी। आप देखो इसके गैराज में, इसके पास लेक्सिस LX570 थी और एक दूसरी भी थी लेक्सिस, ये दोनों उसने इसने सेल कर दी हैं, बिकॉज़ इसके पास पैसों की बहुत कमी आ गई थी। तो इस वक्त इसके पास कोई गाड़ी नहीं, और ये जो इसके पास पुरानी पर्सनल कार थी यही इसको यूज़ करेगा फ़िलहाल के लिए। तो खैर, उसके पास अभी जाएगा डीलर के पास और देखेगा यार, उसके पास वो जो एक नया मॉडल आया, नया मॉडल नहीं है, 2016 का मॉडल है, लेकिन बिल्कुल मतलब कि फ़ाइन कंडीशन में है, मिंट कंडीशन में है। तो यार चेक करेंगे अभी जाकर। तो सबसे पहले गैराज जाते हैं, और माइकल के गैराज में जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि यार इसके पास कौन सी गाड़ियाँ स्टोर हैं। वैसे हैं तो कोई गाड़ी स्टोर नहीं है, सिर्फ एक जिमी की गाड़ी होगी, वही निसान जो है, और दूसरी वो वाली गाड़ी है जो उसी डीलर ने इसको एयरपोर्ट पर, जब उसकी उस गाड़ी की डिलीवरी आई थी बुगाटी विरोन की, तो वो गाड़ी उसने डीलर ने इसको कुछ अरसे के लिए टेम्परेरी बेस पर इसने कहा था कि अपने पास सेफली रखो गैराज में, तो वो भी इसके गैराज में ही पड़ी हुई है गाड़ी। ओके तो यार गैराज पहुंच चुके हैं, और गैराज में जाकर देखते हैं वो दोनों गाड़ियां वहां पे स्टोर होंगी। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं गैराज लेकर आया हूं माइकल को। तो यार देख सकते हो आप, सामने दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक निसान है और एक बिगाटी विरोन है। तो ये निसान वही है जो माइकल ने जिमी को बर्थडे पर गिफ्ट की थी, और ये यार यकीन मानो बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। आप इस बैक साइड से यार इस पर, इस गाड़ी का आप देख सकते हो, जिमी की नंबर प्लेट भी लगी हुई है, निसान अल्टीमा। लेकिन यार नो डाउट नो डाउट, ये गाड़ी बहुत मज़ेदार गाड़ी है। जी माइकल ने इस गाड़ी को ख़ुद भी ट्राई किया, और माइकल को पर्सनली ये गाड़ी बहुत पसंद है, लेकिन अब जिमी को दे दिए तो क्या कर सकते हैं। और दूसरी तरफ खड़ी हुई है बुगाटी विरोन, उसी डीलर की, जो अमेरिकन बॉस है, उसी डीलर की ये गाड़ी खड़ी हुई है। और ये तो खैर टेम्परेरी है यार, माइकल इसको नहीं यूज़ कर सकता, तो ये खैर इमानत के तौर पे इसने अपने गैराज में रखी हुई है, अब डीलर जब भी मांग सकता है इससे तो इसको देनी पड़ेगी वापस। खैर अभी चलते हैं यार सीधा उसी डीलर के पास, अमेरिकन बॉस के पास, और चेक करते हैं हुंडे इलेंट्रा 2016 मॉडल, और रिव्यू देता हूँ उसका मैं, और उसको मॉडिफाई भी कराएंगे। पहले उससे डील कर लेते हैं कितने में वो डील फाइनल करता है उस गाड़ी की। ओके तो यार उसके मेंशन के पास हैं हम बिल्कुल, आप तो मतलब उसका मेंशन दे के ये गैस कर ही रहे होगे जिसने मतलब पुरानी वीडियोस देखी हैं, इस डीलर की गाड़ी चोरी की थी फ्रैंकलिन ने, बुगाटी चिरोन। तो अगर नहीं देखी तो यार आप देख सकते हो, मैं जो है आई कार्ड के ऊपर लिंक दे दूंगा इसका। तो यार पहुंच गए हैं हम डीलर के पास, और वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, अभी हमारी तो नहीं है लेकिन डील करेंगे तो हमारी हो ही जाएगी, होंडे एलेंट्रा खड़ी हुई है सामने। तो इससे यार बात करते हैं कि यार ये गाड़ी हमें ये कितने में देगा, और गाड़ी को भी पहले चेक कर लेते हैं, इसका इंटीरियर भी देख लेते हैं। तो यार डीलर ये गाड़ी जो है ये 52 लाख बोल रहा है इस गाड़ी का, तो पहले गाड़ी को देख लेते हैं यार, गाड़ी आखिर मतलब 52 लाख के काबिल भी है कि नहीं, इसका पहले यार मतलब कि देख लेते हैं नंबर प्लेट इसकी। वैसे उसने बोला था सऊदी नंबर प्लेट लगी हुई है, नंबर प्लेट आप चेक करो, देखो यार अरबिक नंबर्स भी लिखे हुए हैं, और KSA साइड पर लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये वाकई सऊदी नंबर प्लेट है। देख सकते हो आप यार, होंडे एलेंट्रा GLS,
अभी इसके यार डोर्स ओपन करते हैं और अंदर से इंटीरियर चेक करते हैं। ओके, तो डोर ओपन कराए हैं मैंने और अभी देखते हैं फ्रंट लुक इसका, इंजन वगैरह चेक करते हैं। ठीक है यार, इंजन ठीक है यार, काबिले गौर तो नहीं है लेकिन ठीक है, फाइन है। लेकिन मतलब कि अब प्राइस के हिसाब से ही देखना है ना, अब ये तो नहीं कि हम करोड़ 1 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं। और चलो अंदर से इंटीरियर देखते हैं। इंटीरियर यार देखना पड़ेगा स्नाइपर के जूम से, स्नाइपर यूज़ करके उसको जूम करना पड़ेगा तभी सही कैसे होगा, तो स्नाइपर यूज़ करते हैं। तो उसका जूम करके देखते हैं। हाँ, सीट्स बिल्कुल न्यू है, फाइन है और ठीक है यार, अच्छा है, फाइन है। अंदर MP4 प्लेयर भी लगा हुआ है, तो AC वगैरह हर चीज़ टिक टॉक परफेक्ट है यार। पीछे से देख लेते हैं, ओके, तो पीछे से मतलब बैक सीट पर LCD नहीं लगी हुई। ओके, नो प्रॉब्लम। व्हील्स इसके वाकई बहुत प्यारे हैं, व्हील्स अच्छे हैं और ठीक है यार, कंडीशन इसकी फ़ाइन है। तो यार ठीक है यार, 52 नहीं तो कम से कम 51 लाख पर डील फाइनल कर लेते हैं डीलर के साथ, मान जाएगा यार, पुराना डीलर है, कोई मसला नहीं है। तो देख सकते हो यार नंबर प्लेट आप, KSA लिखा हुआ है और GLS मॉडल है एलेंट्रा 2016। ओके, तो डील इसकी फ़ाइनल करते हैं और गाड़ी को चेक करते हैं ड्राइव करके भी। ओके भाई, डील डन हो गई है अमेरिकन बॉस से। तो वो ज़्यादा बहस नहीं करता आप, क्योंकि वो जान गया है कि माइकल जो है उसका बहुत पुराना जो है बायर है, इसी से ही गाड़ी जब भी परचेज़ करनी हो तो परचेज़ करता है, तो इस वजह से इसे ज़्यादा बहस करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, गाड़ी को यार ड्राइव करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है यार, साउंड वगैरह इज़ नाइस। इंटीरियर भी यार इसका अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। होंडे का टैग भी लगा हुआ है आगे फ्रंट पर। तो ड्राइव करते हैं इसको यार, थोड़ा मतलब कि स्पीड वगैरह इसकी देखते हैं। यार होंडे कार जो है, आई थिंक सो, मतलब मैं आगे और होंडे कार्स के जो हैं वीडियोस बनाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि होंडे होंडा से बेहतर है, जो मतलब होंडा की कार्स है ना, होंडा सिविक टाइप आर हो गई, होंडा एकॉर्ड हो गई, तो आई थिंक सो यार होंडा से जो अच्छे मॉडल हैं वो होंडे के हैं। तो होंडे की इंशाल्लाह मैं और मतलब मॉडल्स की वीडियो बनाऊंगा और अच्छे मॉडल्स लाऊंगा, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट में होंडे की और कौन कौन से मॉडल हैं जो माइकल को परचेज़ करने चाहिए। हमारे पास दो मकैनिक हैं माइकल के जानने वाले, एक बशीर मकैनिक है और एक इरफान मकैनिक है। तो हम चलते हैं सीधा बशीर मकैनिक के पास, और इरफान मकैनिक के पास से तो खैर माइकल नंबर प्लेट वगैरह चेंज कराता है, तो बशीर मकैनिक के पास चलते हैं। तो भाई लोग, बशीर मकैनिक के पास हम आ चुके हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स। तो इंटर होते हैं और गाड़ी को मॉडिफाई कराते हैं, इसका मतलब पेंट वगैरह चेंज कराते हैं और देखते हैं इसकी कितनी ट्यूनिंग हो सकती है, ताकि जब ये गाड़ी बेचेंगे तो हमें और अच्छे कीमत में और अच्छे पैसों में मतलब ये गाड़ी सेल हो जाए और फ़ायदा हो माइकल को, नुकसान ना हो। ओके, तो यार सबसे पहले हम इसका आर्मर चेक करते हैं, आर्मर करा लेते हैं यार 100%। नहीं, बहुत महंगा हो जाएगा यार, तो आर्मर इसका हम 60% करा लेते हैं। और ब्रेक्स इसकी स्ट्रीट ब्रेक्स परफेक्ट हैं। इसके अलावा इंजन 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 भी लेवल 2 का ठीक रहेगा यार, कि लेवल 3, चलो लेवल 3 ठीक है। और हेडलाइट्स ज़रूरत नहीं है नियॉन, क्योंकि पर्सनल यूज़ तो करना नहीं है। तो और स्प्रे देख लेते हैं, प्राइमरी में मेटालिक में ही जाएंगे हम, और स्प्रे में अब कलर चूज़ करने में थोड़ा मतलब कि टफ़ काम है, ये कलर इस पे कौन सा सूट करेगा ये चेक करना पड़ेगा अब। ब्लू 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 नहीं सूट कर रहा यार, ब्लैक से ज़्यादा सूट ब्लू कर रहा है वैसे, ये लाइट ब्लू है जो है, सेक्सॉन ब्लू, सेक्सॉन ब्लू, गैलेक्सी ब्लू भी है, एक डार्क ब्लू, मिडनाइट ब्लू, तो आई थिंक सेक्सॉन ब्लू यार इज़ फाइन, ये बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन यार इसमें मतलब कि दो दो कलर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी भी, तो हमें जो सेकेंडरी कलर है वो भी इसी के साथ का लगाना पड़ेगा, और वो तो नहीं है यार इस कलर में सेकेंडरी। तो यार एक काम करते हैं इस पर, मतलब कि सिल्वर कैसा रहेगा, सिल्वर ट्राई करें।
ये डार्क स्टील या मतलब ब्लैक स्टील ठीक है, और अभी प्राइमरी भी इसको करते हैं ब्लैक स्टील, तो प्यारा लगेगा ये आई बिलीव। ओके ब्लैक स्टील, हाँ यार ये भी प्यारा लग रहा है, नॉट बैड, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रे कलर बहुत अच्छा लगता है वैसे गाड़ी, ग्रे कलर वैसे बहुत अच्छा लगता है कार्स में, तो यार थोड़ी पियर्सेंट दे देते हैं इसको। ठीक है सस्पेंशन स्ट्रीट हो गई और ट्रांसमिशन स्ट्रीट ही ठीक है, और टर्बो ठीक है दे देते हैं यार। तो यार कुल मिला के हमारा कोई $35,000 का कोई खर्चा हो गया, और खैर यार व्हील जो हैं वो इसके जो ऑलरेडी लगे हुए हैं यही प्यारे लग रहे हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके तो यार कस्टम से बाहर निकलते हैं, चेक करो गाड़ी यार कलर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, प्यारा लग रहा है आई मेरी नज़र में, तो मतलब ये कलर बहुत सूट कर रहा है होंडे पर। ओके तो यार गाड़ी जो है वो गैराज में स्टोर करते हैं सीधा, और इसका कोई अच्छा सा डीलर देखते हैं, और इससे पहले पहले एक और गाड़ी भी लेते हैं, और क्योंकि यार माइकल को भी पैसों की ज़रूरत है, ये जब से दुबई गया ना ईद पे इसने मतलब कि यार एक तो ये देखता भी नहीं है, ख़र्चा भी खुला करता है, और ऊपर से जिसकी फैमिली भी इससे खर्चे खुले कराती है, फिर ईद की शॉपिंग में भी इसने पैसे उड़ाए हैं, फिर मतलब दुबई में भी जाकर इसने मतलब बहुत पैसे वेस्ट किए हैं, तो अभी इसको पैसों की ज़रूरत है। इस वजह से गाड़ी का बिज़नेस भी इसने मतलब एक हफ़्ते से रोका हुआ था। तो यार इस अगर आपने इसकी पुरानी वीडियोस नहीं देखी माइकल की स्टोरी की, तो आप पुरानी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके उसकी सारी जो है स्टोरीज़ देख सकते हो, तो आपको समझ भी थोड़ी बहुत आ जाएगी मतलब कि कौन कौन सी गाड़ी की इसने डील की हुई है। ये गाड़ी जो है वो बायर अच्छा सा कोई देखेगा और इस गाड़ी को सेल आउट करेगा, तो हम अगली वीडियो में होंडे का ही कोई दूसरा मॉडल उस डीलर के साथ हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे और उससे पूछेंगे अगर होंडे का कोई दूसरा मॉडल है तो उसको सजेस्ट करें माइकल को, तो हम वो परचेज़ करेंगे। तो आई थिंक सो यार लॉस सैंटोस में होंडे के मतलब कि ज़्यादा हैं परचेज़ करने वाले, तो गाड़ी जो है हमारी अच्छी अच्छे रेट पे निकल जाएगी। खैर आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।